तो ये देखिए, आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि ये कच्चे टमाटर की सब्जी है, बहुत ही स्वादिष्ट। इस रेसिपी के लिए हमने दो कच्चे टमाटर, एक बड़े साइज का प्याज और दो हरी मिर्च और गुड़ लिया है। टमाटर और प्याज को हमने इस प्रकार से काटा है, आप अपने हिसाब से इसको शेप दे सकते हैं। तो अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और उसमें थोड़ी सी पंचफोरन डालेंगे, लगभग आधी चम्मच के आसपास, और हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें। तो इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा भून जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी अदरक ऐड किया था, अदरक घिस के, और उसके बाद हमने प्याज ऐड किया है। उसके बाद हम फिर टमाटर ऐड कर लेंगे, और टमाटर को भी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चला के इसे कवर करके पकाएंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा टमाटर अच्छे से पक जाए। तो हमने कवर कर दिया है, तो ये देखिए हमने ढक्कन हटाया है। तो अब फिर इसे चला देंगे। अब बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और बिल्कुल यूनिक है। आप अपने घर पे एक बार इस प्रकार की रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमने फिर से इसे कवर करके पकाया है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा प्याज और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें इसमें स्वाद के हिसाब से। और नमक डालने के बाद हम इसे फिर से कवर करके पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से ये टमाटर और प्याज गल चुका है, और थोड़ा सा हम स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करके इसे बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये बिल्कुल आधी आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम हमने डाला है मसाले। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाला है, थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा। तो इसे भी हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारा मसाला भूनने के बाद यहाँ पर हम गुड़ ऐड करेंगे, गुड़ या चक्की आप ऐड कर सकते हैं। इसे हम लोग अपने साइड में मीठा भी बोलते हैं। तो आप इसे ऐड करके ये देखिए हमारा गुड़ पिघल चुका है और अच्छे से मिल गया है ये। तो अब हम यहाँ पे हरी धनिया से इसमें थोड़ी सी डाल के इसे चला लेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली कच्चे टमाटर की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कच्चे टमाटर की सब्जी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो ये देखने में लग रहा ना बिल्कुल लजीज। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, ताकि इस प्रकार की आप सर्दियों में कच्चे टमाटर की सब्जी का आनंद ले सकें और अपने गेस्ट मेहमानों को खिलाएं एक बार। तो ये देखिए फाइनली हमारा बन चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।